किसी भी हजूम की गहमा गहमी और शोर को अमूमी तौर पर मछली मंडी के माहौल से तशबीह दी जाती है, लेकिन जगह जगह गंदगी के ढेर, बदबू के झोंकों और महंगाई के देव हैकर जिनके बाइस मछली मंडियों का माहौल भी बदलता जा रहा है। मौसम सरमा की आमद आमद है और सर्दियों के मरगूब सौगात मछली को खरीदने के लिए अब इक्का दुक्का शहरी ही मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। मजबूरियाँ लेनी पड़ती है मछली, गंदगी हो या कुछ भी, यहाँ पे नहीं सफाई होती। हालांकि कई बार गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे सफाई रखें, लेकिन ये सफाई नहीं रखते। हमेशा से ये गंदी रही है मार्केट, कभी भी यहाँ पे सफाई का मेयार कोई नहीं है। और सर्दियों में साफ ज़रा ठंड की वजह से मछली ज़्यादा खरीदते हैं, और इसको असूली तौर पर जो है गोश्त को सस्ता मिलना चाहिए। ये अभी से 200 रुपये 250 रुपये किलो दे रहे हैं, तो सर्दियों में क्या हाल होगा इसका। शहर की मंडियों में मुख्तलिफ अनवाउ इकसाम की मछलियां फरोख्त के लिए लाई गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में मछलियों की नस्ल और स्टॉक के मुताबिक रोजाना नया रेट मुकर्रर किया जाता है, ताहम सस्ते दाम और मयारी मछली फरोख्त करना मुमकिन नहीं। ज्यादा मशहूर रोहू मछली का है, वाम मछली का है, कागा मछली मशहूर है, चिड़ा मछली, जो हर इंसान के आपको अपनी जो है ना शौक होता है खाने का, अंदाज होता पकाने का। ग्राहक सिर्फ सस्ती को देखता है, चीज मयारी को नहीं देखता। ये म्यारी चीज़ है, 10 रुपए ज्यादा क्यों इसमें मांगे, वो चीज़ की म्यार की वजह से मांगते हैं। मछली दुनिया भर में इंसानों की समुद्री गजाई जरूरियात पूरी करने के लिए नहायत अहम गर्दानी जाती है, लेकिन मछली मंडियों में गंदगी और कीमतों में इजाफा शहरियों से उनकी मरहूब गजा छीनने के मुतरादिफ है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ एमन ताहिर, सिटी 42।